हाई यू ऑल कैसे हो आप सब आई होप यू आल आर डूइंग वेरी वेल और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ थैंक यू सबसे पहले तो आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स पिछली वीडियोज़ पर रहा है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच और आज की वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ आज मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि uh, ये वाली जो वीडियो है वो मैंने बोला था फैब्रिक यानी कि क्लोथिंग का नहीं होगा क्लोदिंग का नहीं होगा बट यार Uh, पता नहीं अब तुम लगेगा कि हर बार बहाना बना देती है पता नहीं इसी के साथ क्यों होता है बट नहीं सच में ऐसा था कि फुटवेयरस का मैं करने वाली थी जिसमें हील्स एंड ऑल फ्लैट्स सब तरीके की मैं लेने वाली थी तो मैंने नौ दस फुटवेयर्स ऑर्डर किए हैं अभी तक मेरे पास तीन आए मैंने दोनों साथ साथ में ऑर्डर किए थे अमेजोन से और एक मीशो से ठीक है तो मीशो वाले अभी तक पता नहीं वो कौन सी नींदों में अभी तीन ही फुटवेयर्स मेरे पास आ पाए हैं तो होपफुली वो आज कल में आने वाले हैं मतलब आज या कल में आ जाएंगे तो मुझे लगा कि चलो फुटवेयर्स को संडे के लिए रखते हैं आज हम अमेजॉन ड्रेसेज हॉल करते हैं और जो कि सारी सारी जो ड्रेसेज मैंने मंगाई है ना वो बहुत मॉडेस्ट होने वाली है ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होता है ना कि कंफर्टेबल नहीं रहते या अलाउ नहीं होता ये सब मतलब डिसेंट है काफ़ी लोग पहन सकते होंगे ऐसा मुझे लग रहा है और साथ साथ में अफोर्डेबल प्राइस रेंज मैंने लेने की कोशिश करी है मतलब अंडर 500 की ये ड्रेसेस हैं ठीक है तो इतने ज़्यादा पकड़ पकड़ करने के बजाय मैं करती हूँ वीडियो को शुरू पहली ड्रेस से हम शुरू करते हैं जो कि होने वाली है ये वाली इसको तो पता है क्या मैंने क्यों मंगाया था मैं सच सच बताती हूँ मुझे ना इसका कलर अच्छा सा लगा था ऐसे कई लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा न्यू ड्रेस के कलर है ये वो तो मुझे थोड़ा अलग चाहिए था पिंक येलो ग्रीन वैसे वैसे कलर से तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी और मुझे ना इसका ये जो फ्लेयर था ना सच में बताओ मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था ऐसे एक डॉल टाइप फील आ रही थी इसको पहनने के बाद बट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि मीडियम साइज़ जैसे सबको पता है मीडियम मतलब जो मेरी वीडियोस देखते हैं ऑफकोर्स उनको मीडियम uh, साइज़ है तो मीडियम साइज़ में मैंने इसको मंगा लिया था बट यार ये यहाँ वाले पोर्शन से है ना टाइट था मुझे तो इस ड्रेस को लेते टाइम आप लोग मैं यही बोलूँगी एक साइज़ uh, थोड़ा uh, बढ़ा लें मतलब कम्पेरेटिवली तो ये जो पीछे की जिप है ना ये इतनी मस्त फिटिंग लेके आती है अगर किसी के बंद हो जाए मतलब मेरे को हल्का सा टाइट था तो वो आप लोग देख भी पाओगे साइड में कि यस और ये जो था ना इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा प्यारा था और इतनी मस्त शेप निकल के आ रही थी तो ऐसे डॉल टाइप इस तरीके की फील आ रही थी इस ड्रेस को पहनने के बाद और साथ में ऐसा नहीं है कि स्लीवलेस है हल्की सी स्लीव्स भी इन लोगों ने दी हुई है तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी कलर एंड प्रिंट एंड फैब्रिक समर्स में जो होता है ना फैब्रिक फैब्रिक का थोड़ा ज़्यादा रहता है कि आ, कैसा है कैसा नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लोई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी प्राइस की मैं बात करूँ ना फोर हंड्रेड फोर्टी नाइन आई गेस ये फोर हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन रुपीज़ की ड्रेस है तो इस ड्रेस में कोई भी ख़राबी नहीं है मतलब मैं जेनविनली आप लोगों को, को बोलूँगी और फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका जो फ्लेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है और एक अगर मैं बात करूँ ना लेंथ की तो एक लेंथ ऐसा होता है ना नी लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस में नहीं है तो आप कंफर्टेबली इसको वेयर सकते हो क्योंकि ना तो स्लीव्स का प्रॉब्लम है ना लेंथ का प्रॉब्लम है बट साइज को जरूर देख लेना इसको, ठीक है? अब ये हो गया हमारा फर्स्ट 449 में सेकेंड ड्रेस की हम बात करते हैं जिसका मुझे ना स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आया था अब ये ड्रेस है ना मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा कि नहीं ये काफ़ी दिन से चली हुई है इसमें दो कलर्स अवेलेबल हैं और है ना ऐसा स्ट्रेचेबल सा फैब्रिक है मुझे ना इसका स्टाइल बहुत पसंद आया था जैसे कि अगर मैं मेरी बॉडी की बात करूँ ना मुझे कई बार कॉन्शियस हो जाती हूँ मैं कि कहीं से हम थोड़े मोटे तो नहीं लग रहे हैं और ऐसे ऐसे वाले जो गर्ल्स समझ सकती हैं मतलब कि वैसा सा प्रॉब्लम हो जाता है बट इस ड्रेस में मुझे लगता है कि हर कोई कंफर्टेबली इसको पहन सकता है और फ्लॉन्ट कर सकता है अपने आप को इसमें दो एक तो न्यूड कलर अवेलेबल है और एक ही ब्लैक कलर बट मिलने के बाद है ना मुझे ऐसा लगा कि बहुत ब्लैक नहीं है कहीं ब्लू ब्लैक के बीच में जो होता है ना वो है मतलब पता नहीं आप लोगों को यहाँ पे भी ब्लैक ही दिखेगा क्या पर जब ये सच में रिसीव होगी ना तो हल्का आपको लगेगा कि कहीं ब्लूइश इस टोन इसके अंदर आ रहा है और है न ये वाला जो चीज़ है ना इसकी ये जो दे रखा है हम लोगों को यहाँ पे इलास्टिक इन लोगों ने दे रखा है इसका स्टाइल भी इन्हांस कर रहा है यहाँ से मेन प्लस पॉइंट क्या था इसका जो लेंथ था ना वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट था समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसका जो फैब्रिक है ना इट इज़ सो नाइस मतलब स्ट्रेचेबल है मेन बात यही आ जाती है अरे एक इसकी स्लीव्स यस स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख लो बहुत अच्छे से टाइप की स्लीव्स मुझे लगी यहाँ से थोड़ा सा पर्फ्ट स्टाइल दिया हुआ है और लॉन्ग स्लीव्स की है लॉन्ग स्लीव्स की स्लीव्स है मैं ये बोलने वाली थी और ऐसे मोडेस्ट है मोडेस्ट <laughs> तो आप लोग देख सकते हो हर कोई इसको पहन सकता है मतलब जो ड्रेसेस पहनते हैं ऑफकोर्स उसको मैं बोलूँगी और प्रिंट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है हल्का सा पता नहीं ऐसे जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा ना तो कहीं ऐसे दिखेगा तो नहीं नहीं दिखेगा तो मतलब ये ड्रेस भी आप लोग ले सकते हो इट इज़ अप्रूव्ड बाय योर एथिका ओके तो इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस था कुछ फोर एटी एट रुपीज़ तो मैं बता रही हूँ ना मैंने पाँच से नीचे नीचे लेने की कोशिश करी और काफ़ी अच्छी ड्रेसेज मुझे ये दोनों लगी दोनों का स्टाइल काफ़ी अलग अलग था उसका स्केटर स्टाइल था इसका हमारा दूसरा स्टाइल था अब हम बात करते हैं हमारे तीसरी ड्रेस की जो कि होने वाली है ये वाली ड्रेस अब इस ड्रेस को लेके मुझे लगा है धोखा क्योंकि इसका कलर कुछ और दिखा रखा था पिक्चर में और इसमें ये बिल्कुल वैसे वाला पिंक आया है बेबी पिंक भी नहीं मुझे ना इस पिंक से थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता मुझे ये वाला पिंक और इसका फैब्रिक भी वैसे वाला है पॉलीएस्टर काइंड ऑफ जो होता है ना वैसा है तो आ, ले सकते हो बट क्यों ही लेना है इससे बेटर बेटर ड्रेसेस हैं आप वो ले लेना मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है मैं इसे बौर बोल के पका दूंगी यहाँ पे इलास्टिक दे रखा है हाँ फ़िटिंग की बहुत अच्छी है फिटिंग बहुत अच्छी है लेंथ बहुत अच्छी है स्लीव्स एंड ऑल सब कुछ अच्छा है बट है ना फैब्रिक ओके ओके है और है ना इसका कलर भी जो मैंने पिक्चर में देखा था वैसा नहीं है तो इस वजह से मैं इसको क्या बोलूँगी कि टेन में से एट स्टार्स मैं इसको दूंगी यस yes. तो और यहाँ पर इनको फेक ऐसे टाई ऑन दे रखा है तो सिर्फ दिखाने के लिए बाकी है ना लेंथ बहुत अप्रोप्रिएट है तीनों ड्रेसेस का अगर आप देखोगे ना तो स्टाइल अलग अलग है इतनी बुरी नहीं है लेकिन इतनी वाव भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है इसका अगर मैं प्राइस की भी बात करूँ ना आप लोगों को तो इसका प्राइस था इसका प्राइस था फोर डबल नाइन रुपीज़ का तो आई वुड सजेस्ट कि वो पहले वाली दो ड्रेसेस आप लो अगर आपको इस प्राइस में ही लेनी है फैब्रिक ठीक ठाक है तो चलिए फिर अब हम चलते हैं हमारी थर्ड फोर्थ ड्रेस के पास जो कि होने वाली है ये पिंक कलर की यस अगेन ये पिंक कलर थी मैंने सोचा था ये तो पिंक प्रॉपर कलर है और वो थोड़ा अलग कलर था मैं अब ये वाला जो पिंक कलर है ना ये बहुत क्यूट पिंक कलर है बट बट अब मुझे नहीं पता मीडियम साइज़ ऐसा होता है जिसको हर बार कंफ्यूजन होती ही होती है जैसे मीडियम में मुझे वो ड्रेस टाइट था और ये मीडियम में ये ड्रेस इतना ज़्यादा लूज़ था इतना ज़्यादा लूज़ था मतलब कैसे बताओ मैं कितना ज्यादा लूज था बहुत ज्यादा ही लूज था ये और इसका मेरे ख्याल से मुझे स्मॉल भी थोड़ा लूज ही आता है ऐसा मुझे लग रहा था इसको देख के तो प्लीज़ अगर आप ये ये वाली ड्रेस बाय द वे है ना मीशो पे भी अवेलेबल है अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है बट मैंने चलो अमेजोन से मंगा ली बाकी तो शायद सेलर सेम सेम से होंगे उनके सेलर सेलर नहीं तो ड्रेस बहुत क्यूट है आ, इसका बस साइज़ का प्रॉब्लम हो गया नहीं तो ये बहुत मस्त है मतलब जैसे आप गर्मियों के हिसाब से अगर किसी को बाहर जाना है लंच डेट पे या कहीं पे भी अकेले भी जाना है तो भी ये ड्रेस आई सजेस्ट कि आप ये ड्रेस ले सकते हो और मॉडर्स्ट ड्रेस है अगेन और स्लीव्स बहुत ज़्यादा प्यारी मुझे लगी इसका ये जो लेस है पॉम पॉम लेस मैं हमेशा याद रखूँगी इसको तो ये वाला लेस दे रखा है ओवरऑल है ना कंफर्टेबल फैब्रिक है रिओन है इट इज़ वेरी नाइस यू कैन बाई इट और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसका फोर डबल नाइन है तो येस वर्ट बाइंगेट फोर नाइन नाइन रुपीज़ में लेंथ बहुत ज़्यादा अप्रोप्रीट है मैंने इसको वाइट स्नीकर्स के साथ वाइट ईयर रिंग के साथ स्टाइल किया था आप लोग भी उस तरीके से कर सकते हो या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो तो येस ये बहुत ज़्यादा प्यारा फैब्रिक है इसका अभी तक की अगर मैं बात करूँ ना चारों के चारों ड्रेसेस में से फैब्रिक इसका सबसे सब ज़्यादा बेस्ट है अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रेस पे जो कि होने वाली है ये पता है ये ड्रेस मैंने ना एक महीने पहले मंगाई थी और अभी तक मैं इसको पहन नहीं पाई हूँ बट आ, मैंने दो तीन बार वैसे इसको ट्राई करके देखा जरूर है मीडियम साइज़ मैंने इसका लिया था आप लोगों ने भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो इसको देखा ही होगा तो मुझे लगा कि चलो वाई नॉट एट दिस वन एंड दिस हॉल इस ड्रेस का फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मतलब आ, बहुत प्यारा अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना तो शायद यी डबल नाइन रुपीज़ की होगी यस थ्री डबल नाइन की है रिओन इसका फैब्रिक है और ना इसका प्रिंट प्रिंट जब इसे खोलते हो ना तो ऐसा लगता है कि बड़ा बड़ा सा प्रिंट है पता नहीं कैसा लगेगा बट जब आप इसको पहनोगे ना आई एम श्योर कि आपको तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बस इसका एक चीज़ ज़रूर है कि इसका जो लेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है जो मतलब ऐसा होता है ना कि जो नी लेंथ तक की पहन सकते हैं वो नहीं पहन सकते काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस ये है बट इसके जो फ्लेयर वगैरह है ना नीचे की साइड अगर आप देखोगे ये इसकी हाईलाइट है बहुत ज़्यादा सुंदर इसका शेप बहुत ज़्यादा सुंदर आता है और यहाँ पे इन्होंने लास्टिक दिया है तो इस वजह से यहाँ से स्ट्रेचेबल ये रहेगी और आप नेक की बात करें तो नेक हमारे पास यहाँ से मिलेगा और बैक साइड से यहाँ पे इन्होंने बंद करने का दिया हुआ है और स्लीव इस तरीके की अगेन यहाँ पर इलास्टिक दे रखा है फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है कलर भी मुझे अच्छा लगा था तो ओवरऑल इट इज़ अ नाइस परचेज आई गेस तो इन ड्रेसेस में से अगर मैं बात करूँ ना मुझे शायद वो जो पिंक कलर की जो मेरे को कलर से थोड़ा सा हो गया था वही उन्नीस बीस लगी है अदरवाइज सारी की सारी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आई है आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होंगी मैंने बड़ी छाट के मुझे लगा था कि ऐसे बजट फ्रेंडली जो होता है जैसे कॉलेज में कभी हम भी जाते थे तो ऐसा होता था कि बजट फ्रेंडली चीज़ मिल जाए लोगों को एक बात और बोलूँगी तो आप लोग बोलोगे कि सारी प्रॉब्लम इसी की लाइफ में है बट यार मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता अमेजोन की डिलीवरी मुझ मेरे पास इतनी लेट क्यों आती है मैंने एक ड्रेस और करी थी यार छः चीज़ करी थी मैंने छठी चीज़ मेरी नहीं आई है वो आज बेंगलोर में आ चुकी है बट वो मेरे को डिलीवर नहीं हुई है अब मैं हर बार का रोना ही शुरू कर दिया अब मैं थोड़ा सा स्टॉक पहले से खरीद के रखा करूंगी ये मैंने अपनी गांठ बांध ली है अब अगली वीडियो में मिलेंगे मीशो के फुटवेयर के साथ अब तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही क्या करना है लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और नए आप चैनल पर तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एस अजयिका और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो एच अजीका और आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहोगे किसका हॉल देखना चाहोगे एक एक मेरा मनना है कि मैं होम डेकोर आइटम्स का भी क्योंकि मुझे जरूरत भी है होम डेकोर आइट टम्स की छोटी छोटी चीज़ें लेने की बैकग्राउंड को सुधारने की तो आ, वो मैंने सोचा है तो देखते हैं वो कब तक बनेगा और पाकिस्तानी कुर्ता सेट्स वाली जो सूट सूट सेट वाली जो वीडियो है ना उसको इतना प्यार देने के लिए यार थैंक यू सो मच मुझ, मतलब मुझे मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो काफ़ी अच्छा था तो मतलब आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे लग रहा है उसका सेकंड पार्ट तो बनता है अगर आप लोग देखना चाहते हो दूसरा पार्ट भी तो प्लीज़ कमेंट करना तो इसी के साथ चलिए वीडियो को करते खत्म चल देन बाय बाय